the x-axis, meet the x-axis at 3 point. At 3 points. Meet at 3 points. And thus their x coordinates are, thus their x coordinates are the only zeros of the coordinates are the only zeros of the polynomial ओके ठीक। अब बच्चों एक एग्जांपल ये लिया, अब नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं क्यूबिक पॉलीनोमियल का, उसको फिर मैं ड्रॉ करके देखता हूं क्या आएगा। ठीक, मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूं एक्स क्यूब वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। देखो ये भी क्या है, क्यूबिक पॉलीनोमियल, क्योंकि डिग्री क्या है इसका वेरिएबल का, हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, क्यूबिक पॉलीनोमियल। तो इसको मैं जब ड्रॉ करूंगा, जब एक्स का कुछ भी वैल्यूज लोगे ड्रॉ करूंगा, तो देखो डायरेक्ट मैं ड्रॉ कर देता हूं। ड्रॉ करने से इसका क्या आएगा, इसका क्या आने वाला है, ड्रॉ करने से कुछ ग्राफ ऐसा आएगा। ठीक, यहां पे क्या आया 0,0 और ये क्या आया ग्राफ कुछ इसका आया ऐसा, यानी कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये क्या है x एक्सिस। तो बच्चों ये ग्राफ देखो, जब x इज इक्वल टू 0 था तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अपार्ट फ्रॉम द एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज नेवर गोइंग टू बी 0, कुछ भी और वैल्यूज रख लो x का, तो ये y हमेशा 0 नहीं आएगा, केवल x इज इक्वल टू 1 वैल्यूज के लिए क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 0 पे 0 आएगा। तो यानी कि x एक्सिस को ये कौन से पॉइंट पे कट करेगा, 0 पे करेगा, कौन से करेगा, ओरिजिन पे किया, कौन ये ग्राफ, किसका ग्राफ, y इज इक्वल टू x क्यूब का ग्राफ। तो मैं क्या कमेंट बना सकता हूं यहां पे कि दस द ग्राफ ऑफ, लिखो नोट, नोट करके लिखो फॉर दिस ग्राफ, क्या लिखोगे, नोट करके लिखो बच्चों, क्या लिखना है नोट में बताओ, क्या है, दस द ग्राफ ऑफ, दस द ग्राफ ऑफ, ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब intersects the x axis at one point। देखो एक ही पॉइंट पे ये कट कर रहा है ना, एक ही पॉइंट पे ये कट कर रहा है x एक्सिस को, ओके तो वही लिख रहा हूं लैंग्वेज में, कट द कोऑर्डिनेट एट x एक्सिस एट वन पॉइंट। The x coordinate is the only zero of the polynomial okay बच्चों, ये आपका हो गया एक एग्जांपल। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं क्यूबिक पॉलीनोमियल का, जो कि एक्स एक्सिस को मोर देन मतलब 2 पॉइंट पे कट करे, ओके ऐसा कुछ एग्जांपल लेता हूं। तो फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं, आपका है ना बुक का ही एग्जांपल एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी आपका क्या है क्यूबिक पॉलीनोमियल। अब इसका जो ग्राफ बनेगा ये क्या बनेगा बच्चों, अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लू तो ये क्या बनेगा एक्स माइनस वन। इसका जब ग्राफ बनेगा बच्चों तो वो कैसा ग्राफ बनेगा बताओ, ये कैसा बनेगा, ये इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा इसका ग्राफ, आप है ना ट्राई करना, ये क्या हो जाएगा 0,0 और ये क्या हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 1,0, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा और ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ किसका है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन का ग्राफ है, ओके तो ये क्या हो गया, अगर इसको नेम दे दू -1 -2 ऐसा कुछ वैल्यू आएगा, ओके अब देखो, तो अब है ना इस ग्राफ को, ये ग्राफ जो था किसका ग्राफ, क्यूबिक पॉलीनोमियल का, कौन सा x³ - x² ये x एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट किया,
दो पॉइंट पे कट किया ना, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया। अब बोल मन में डाउट उठा होगा सर के ग्राफ कैसे बना रहे बच्चों, ग्राफ बनाओ आप पहले वैल्यू रैंडम वैल्यू लो, x इज इक्वल टू जीरो ले लिया, x इज इक्वल टू वन लिया तो जीरो पे क्या हुआ y इज इक्वल टू जीरो आया, x इज इक्वल टू वन लिया तो वन पे क्या आया y इज इक्वल टू जीरो आया, x इज इक्वल टू माइनस वन ले लिया तो y इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस टू आया। आप इसको डायरेक्ट मैंने सॉल्व करा तो देखो ये सब कोऑर्डिनेट है ना मैं ड्रॉ किया, यहाँ पे देखो माइनस वन पे यहाँ पे वैल्यू इसको फॉर एग्जांपल माइनस टू ले लो, ये क्या हो गया माइनस वन कॉमा माइनस टू, ऐसे एक पॉइंट कोऑर्डिनेट ड्रॉ किया, एक ऐसे किया एक ऐसे किया, और ये को आपस में इसको लाइन को ड्रॉ किया ना कोऑर्डिनेट को है ना मिलाया तो मेरे को क्या बना एक ग्राफ आया, उस ग्राफ किसका है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन। कंफ्यूज मत होना कि ये ग्राफ कहां से बनाया, मैं कुछ रैंडम पॉइंट्स लिया फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू वन, x इज इक्वल टू माइनस वन। आप अगर एक्यूरेसी के लिए और भी अच्छा ग्राफ बनाना चाहते हैं तो मल्टीपल पॉइंट्स लो, लाइक x इज इक्वल टू माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइव, x इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव, ऐसे देखो और y का वैल्यू निकालो, फिर उस पॉइंट को लोकेट करो इस कोऑर्डिनेट एक्सिस कोऑर्डिनेट पे, ठीक ज्योमेट्री ये कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। तो अब है ना जब मतलब कि रिप्रेजेंट किए और फिर उस पॉइंट को आप क्या करो आपस में मर्ज करो मिलाओ तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा बना। देखो ये ग्राफ जो था एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या कर रहा है दो पॉइंट पे कट किया गया, दो पॉइंट पे किसको कट किया एक्स एक्सिस को, किसको कट किया एक्स एक्सिस को। तो मैं नोट करके लिख सकता हूँ क्या, नोट करके बच्चों क्या लिखूंगा, लिखूंगा द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट टू पॉइंट at the 2 points, thus x coordinates are the zeros of the polynomial, पॉलीनोमियल कौन सा y इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर। ओके बच्चों ये आपका हो गया, ठीक। अब है ना आप एक नोट करके लिखो, नोट करके और लिख लो, इसी में लिखो नोट करके क्या लिखो, देखो क्या लिखोगे नोट फ्रॉम द एबव एग्जांपल्स, नोट जो ये मैं एग्जांपल्स लिया था फ्रॉम एबव ग्राफ्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल ओके फ्रॉम द एबव एग्जांपल्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल वी सी दैट देयर आर एटमोस्ट थ्री जीरोस फॉर वी हैव सीन दैट There are at most three zeros for any cubic polynomial. Okay. इसको बस लैंग्वेज में लिख दिया, ठीक। तो इन ऑर्डर टू इन अदर्स वर्ड्स एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री थ्री हैज एटमोस्ट थ्री जीरो, ठीक, देयर आर एटमोस्ट थ्री जीरोस। ओके अब देखो एग्जांपल वन है आपका बुक का, उसको मैं सॉल्व कर रहा, एग्जांपल वन है आपके बुक का, उसमें क्या है कुछ ग्राफ दिया हुआ है और उसको बता रहा है, पूछ रहा है कि हाउ मेनी जीरोस आर देयर। तो क्या है एग्जांपल वन लिखो, क्या है एग्जाम्पल वन, क्या है बच्चों एग्जाम्पल में है लुक एट द फिगर गिवन बिलो
look at the figure given below, each of the graph of y is equals to p of x. y is equals to p of x. बच्चों p of x के लिए confused मत हो, यहाँ पे polynomial है with degree 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए general वो क्या यूज कर लिया, p of x यूज कर लिया, where p of x is a polynomial, okay? फिर आगे further question क्या है, for each of the graphs, find the number of zeros of polynomial. Find the number of zeros of p of x. क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है बच्चों, ये कुछ क्वेश्चन ऐसा, इसमें क्या दिया हुआ है, ऐसा ग्राफ बना हुआ है, इसमें कुछ ऐसा ग्राफ बनाए हुए थे वो लोग पहले से, ठीक। इसमें क्या था, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, यहाँ पे जीरो। अब पूछ रहा है ये हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरो, तो देखो ये ग्राफ कहाँ पे कट कर रहा है, x एक्सिस को कितने टाइम्स कट कर रहा है, एक टाइम कर रहा है ना, तो किसका आंसर क्या हो जाएगा, हाउ मेनी में क्या हो जाएगा, देयर आर द नंबर ऑफ जीरो इज वन, द नंबर ऑफ जीरो इज वन, क्या होगा, जीरो वन क्यों है, क्योंकि ये ग्राफ x एक्सिस को केवल एक पॉइंट पे कट कर रहा है, वो पॉइंट कौन सा है, फॉर एग्जाम्पल इसको a ले लेता हूं, ये x एक्सिस यहाँ पे कट कर रहा है, तो इसका क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो इज वन। सेकेंड ऑप्शन क्या है बच्चों, सेकेंड ऑप्शन है ऐसा है, तो ये बताओ ये ग्राफ कहाँ पे कट कर रहा है, टू टाइम्स कर रहा है ना, तो क्या बोलोगे, द नंबर ऑफ जीरोज आर टू, क्यों, क्योंकि ग्राफ ए एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स कट कर रहा है, टू टाइम्स एट ए डैश एंड ए पे, ओके, तो इसीलिए मैं क्या बोला कि नंबर ऑफ जीरोज आर टू, ठीक, लिख सकते हो एज द ग्राफ, लिख सकते हो अगर आगे चाहोगे तो, एज द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस, कट्स द एक्स एक्स एक्सिस एट वन पॉइंट, ओके, इसमें लिख सकते हो एज द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट टू पॉइंट, ओके। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का ग्राफ कुछ ऐसा बना हुआ है, थर्ड क्वेश्चन का क्या है, थर्ड क्वेश्चन में कुछ ग्राफ ऐसा बना हुआ है, ये ऐसे गया और ऐसे गया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो अब बताओ ये ग्राफ कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, थ्री पे, तो नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया, थ्री, क्योंकि एक्स एक्सिस को ये थ्री टाइम्स कट कर रहा है, ओके। फिर फोर्थ क्वेश्चन है आपका, फोर्थ नंबर है बच्चों, कुछ ऐसा है ग्राफ, कैसा है, कुछ ये स्ट्रेट लाइन ऐसे बनाया हुआ है, तो बताओ ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो बच्चों बताओ ये ग्राफ कितने, हाउ मेनी टाइम्स इट इज कटिंग द एक्स एक्सिस एट अ वन पॉइंट, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, और नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू वन, समझ में आ रहा है ना, एक फिर देखो ये भी एक ही बार टच किया ना, फिर देखो थर्ड को फोर्थ हो गया, फिर फिफ्थ क्वेश्चन क्या होगा, फिफ्थ क्वेश्चन क्या होगा बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया हुआ है, क्या ग्राफ ऐसा है, ऐसा ग्राफ है, तो ये बताया था केस टू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल,
तो ये देखो ग्राफ क्या है, केवल एक पॉइंट पे ये टच कर रहा है, टच कर रहा है तो क्या बोलेगा, बोलोगे हाउ मेनी जीरोस, नंबर ऑफ जीरो कितना है, वन है, ओके। फिर फिफ्थ नंबर हो गया, फिर सिक्स नंबर क्या है, सिक्स नंबर है, सिक्स नंबर है कुछ। अब बताओ ये ग्राफ कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, एक दो तीन चार, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया इसके लिए, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू फोर। बच्चों नंबर ऑफ जीरोस मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ जीरोस मतलब क्या हुआ कि वह ग्राफ फोर वैल्यूज, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ जीरो फोर आया ना, तो ये ग्राफ एक्स कोऑर्डिनेट पे चार मतलब वैल्यूज के लिए, एक ये वैल्यू, एक ये वैल्यू, एक ये वैल्यू, चार वैल्यूज के लिए आपका पॉलिनोमियल, जनरल पॉलिनोमियल जो पी ऑफ एक्स है, क्या है पी ऑफ एक्स है, क्या है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी कि वाई क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। तो कितने के लिए आएगा ये, चार के लिए आएगा, ये कितने के लिए आएगा, एक के लिए आएगा, ओके। इसको पॉइंट को आप ए बी सी डी भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कुछ भी नेम दे सकते हो, ओके ठीक। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस कर सकते हो, तो ये बस डिपेंड्स ऑन यू, ओके ठीक। चलो अब है ना आपका एक्सरसाइज 2.1 को मैं डिस्कस करता हूं। एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस कर रहा हूं, क्या है अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.1, बिल्कुल वही बेसिक्स का क्वेश्चन से बच्चों, इसमें परेशान होने वाली नहीं है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर वन क्या है, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू p ऑफ x आर गिवन इन फिगर, आर गिवन इन फिगर, ओके फिगर गिवन इन बिलो फिगर कर दो, बिलो फिगर फॉर सम पॉलिनोमियल p ऑफ x, फॉर सम पॉलिनोमियल p ऑफ x फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ जीरोस ऑफ p ऑफ x इन ईच केस। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका है कुछ ऐसा क्वेश्चन है, ओके ये क्या है आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो अब बताओ ये जो ग्राफ है ये x एक्सिस को कोई भी पॉइंट पे कट नहीं ना कर रहा, तो ये नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, आंसर जीरो आएगा। जीरो क्यों आ रहा है, क्योंकि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो जीरो क्यों आया, लिखो आंसर में, बिकॉज दिस कर्व, दिस ग्राफ इज नॉट कटिंग द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट, इसीलिए क्या हो गया इसका जीरो आया। सेकेंड का क्या है, सेकेंड का क्वेश्चन देखो क्या है, ऐसा कुछ है ना, तो ये क्या हो गया आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरो क्या आएगा, नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन, क्योंकि एक्स एक्सिस को ये ग्राफ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है जो कि ये पॉइंट है। थर्ड आपका क्या है, थर्ड आपका क्या है बच्चों, थर्ड क्या है कुछ ग्राफ ऐसा है, तो ये आपका क्या है एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को बताओ ये ग्राफ कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, एक ये पॉइंट हो गया ना, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू थ्री। थ्री क्यों हो रहा है, क्योंकि दिस ग्राफ इज गोइंग टू बी कट, दिस ग्राफ इज कटिंग द एक्स एक्सिस एट थ्री पॉइंट,
फोर्थ नंबर बताओ क्या है क्वेश्चन में, फोर्थ कुछ ऐसा दिया है, ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, पहले बताया हूँ बिल्कुल, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना है बच्चों यहाँ पे, नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया इक्वल्स टू टू, टू क्यों हुआ क्योंकि ये ग्राफ दो पॉइंट को एक्स एक्सिस दो पॉइंट पे कट कर रही है, कौन से एक्स एक्सिस को, ओके। सिक्स नंबर क्या हो गया ये, सॉरी फोर्थ हो गया ये, फिफ्थ नंबर क्या आपका ग्राफ कैसा है, ग्राफ ऐसा है आपका, ये बताओ कितने पॉइंट पे कट कर रही है एक्स एक्सिस को, एक पॉइंट दो पॉइंट थ्री फोर, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रही है, इट इज कटिंग एक्स एक्सिस एट फोर पॉइंट, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू फोर, ओके। फिर अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स नंबर,